आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम क्रिकेट फैंस के लिए क्रिकेट जगत से एक कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी और एक छोटे शहर फरीदाबाद से निकला सितारा अजीत चंदीला का पॉडकास्ट लेकर आए हैं। तो लाइफ के पिच में इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, तो इस पॉडकास्ट में हम उनकी लाइफ की जर्नी और IPL से जुड़े कुछ अनकही बातें आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कन्वर्सेशन। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो सर, अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ भाई बहुत अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक होता है लाइफ में जब नेगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी आती है, तो सामने फेस देख के ही पता चल जाता है कि कैसा चल रहा है। और आपका भी फेस देख के लग भी रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। नहीं नहीं, पॉजिटिव फील लाइफ में तो पॉजिटिव रहा ही हूँ हमेशा मैं। कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ भी होता है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आता है, कुछ सीख देता है। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, वाइट नहीं ऐसे वाइट नहीं बाल मेरे सफ़ेद नहीं हुए। तो एज के साथ सारी चीज़ें चलती रहती लाइफ के साथ। तो सर, एक हरियाणा का छोरा, मोस्ट लोग का क्या ये माइंडसेट होता है कि एक हरियाणा का छोरा है तो ये तो क्या तो कुश्ती करेगा या फिर कबड्डी। तो आपकी क्रिकेट की जर्नी ये कहाँ से शुरू हुई? क्रिकेट की जर्नी एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक नारसिंह स्टेडियम है जहाँ से सारे क्रिकेट निकले हैं, और एक सेकंड है विजय यादव एकेडमी जहाँ से अभी मोहित शर्मा, मैं भी विजय यादव एकेडमी का ही प्लेयर हूँ, और राहुल तिवतिया है, राहुल दलाल लड़का है, महेश रावत है, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तानी क्रिकेट का। उस नाम को तो मतलब हर कोई जानता है, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो महेश रावत को ना जानता है। तो मेरे भाई थे वीरपाल जी, वो एक फास्ट बॉलर थे, वो जाते थे अपना, तब बड़ी मेहनत की उन्होंने, मतलब इतनी रनिंग करते थे कि 10-10 किलोमीटर की रनिंग सुबह करना। आई एम शॉक्ड कि यार इतनी रनिंग कैसे कर लेता है ये। मैं तो क्योंकि घर से, हमारे घर से निकलता था वो, मतलब भागता हुआ जाता 10 किलोमीटर डेली। उसके बाद उसके अंदर कुछ क्रिकेट का कीड़ा था भाई के अंदर, तो नारसिंह स्टेडियम प्रैक्टिस करते थे इवनिंग में। तो डिस्ट्रिक्ट होती थी हमारे यहाँ पर U14, U16, U19 और पटौदी ट्रॉफी। तो 19 का ट्रायल दिया दो बार, दो साल नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े नाम थे जो कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे फास्ट बॉलर। और एक यहाँ पर डीवी स्कूल है, मिस्टर तलोक सरकार तलवार और ये भल्ला जी चलाते थे उसके, एक लाइक NGO जैसा था कि उन हरियाणा के प्लेयर जो भी अच्छा प्लेयर होता था उसको स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती थी, कोई फीस नहीं कुछ नहीं, वो अपना स्कूल के नाम से खिलाते भी थे। और अच्छा स्कूल उन्होंने बहुत प्रमोट किया, वैसे डीवी स्कूल ने, सरकार तलवार सर ने बहुत प्रमोट किया प्लेयरों को। तो अब तब उनका क्या होता था कि 10 प्लेयर उनके, 11 उनके, जो भी 15 उनके खेलते थे बाहर का, क्योंकि वो टैलेंट होता ही था, या इसमें गॉडफादर भी चाहिए होता है, बैकअप बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो मेरे भाई के पास कुछ नहीं था, वो एक छोटे से गाँव से बड़ौली से जाते थे, तो जाते थे, वो थोड़ा लेट डाउन हुए यार मैं अच्छा हूँ पर हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, यार मैं ऑफ स्पिन फेंकता था वैसे ही पार्क में खेलता था, मैं महेश रावत है कि योगेश वर्मानी है लड़का, तो वो कहता है यार एक ऑफ स्पिनर नहीं है कोई भी, यार मेरा ड्रीम पूरा मुझे लगता है तू कर सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर बहुत है, ऑफ स्पिनर एक भी नहीं है जी। एक सीनियर प्लेयर हैं वो रणजी ट्रॉफी में बिजी रहते हैं, पंकज ठाकुर जी जी जी, और मैंने उनके जैसा बॉलर आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, ऐसा प्लेयर ही नहीं देखा मैंने पंकज ठाकुर। उन्होंने उनकी वजह से हम उनके साथ क्रिकेट खेली है बहुत, आज मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत क्रिकेट, मतलब एक रॉ डायमंड को डायमंड बनाने वाले वो थे हमें, फरदाद की क्रिकेटर जी जी जी, सबको खिलाया उन्होंने, ऐसा नहीं है मुझे, सबको बनाया उन्होंने। तो मैंने भाई की बात मानी, चलो फिर सडनली विजय यादव अकेडमी ओपन हुई, तो जो हम पार्क में खेलते थे लड़के, महेश रावत, मैं, योगेश वर्मानी, बहुत टैलेंटेड थे ये लोग, और गए ट्रायल देने, जब ओपन हुई थी तो सबका ही होना था, हो गया उनका, मैं अकेला रह गया। अब भाई मैं एक छोटे से गांव से, एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली थी जिसपे वाइट कपड़े भी नहीं थे ट्रायल देने के लिए, तो मैंने एक टी शर्ट ली राउंड नेक की किसी दोस्त से पहले, तो फिर मैंने उनसे डरते हुए बोला भाई मैं अकेला पड़ गया हूँ स्कूल के बाद, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो कहते तू ट्रायल देना हम तेरी सिफारिश करेंगे। भाई ठीक है करवा देना यार, मैं बड़ी रिक्वेस्ट की उनको, महेश को और योगेश को, भाई करवा देना यार। अब
मैं गया, ट्रायल दिया, हो गया, क्योंकि वो होना ही था, एकेडमी खुली है, पैसे देने वहाँ तो विमन है विजय भाई की, तो वहाँ प्रवीण भटनागर थे कोच, उनके छोटे भाई राजीव यादव थे, उन्होंने बड़ी मेहनत कराई मुझे, राजीव यादव ने बहुत मेहनत कराई, वो बड़े दिल से मुझे कराते थे, प्रवीण भटनागर ने बड़ी कराई मुझे मेहनत, मतलब जो आज प्लेयर बने हैं प्रवीण भटनागर ने, महेश रावत, मैं बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है प्रवीण भटनागर जी का, और राजीव यादव ने भी ऐसे ही सेम थिंग। फिर बॉस थे विजय भाई आते थे, तो मतलब एक फैमिली ऐसी बन गई थी कि वहाँ, फिर उस टाइम क्या था, एक स्कूली टूर्नामेंट होता था, उसके बाद नेशनल टीम बनती है, तो वो नेशनल खेलना एक मतलब लाइक आज जैसे एक नॉर्मल क्रिकेटर की रणजी ट्रॉफी है। अच्छा, तो ऐसा ड्रीम होता है जब अंडर हम 14-15 साल के बच्चा होता है, उसको नेशनल यार, जिसको टी शर्ट नहीं है जिस बच्चे पे, वो सोचता था नेशनल खेलूँ तो मुझे 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और नेशनल एक प्राउड फील करने वाला होता था तब, अभी नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि IPL इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। तो मैं गया ट्रायल देने, हो गया, मैं स्कूल ही खेला, फर्स्ट डे जब मैं मैच खेलने गया, मैं लोकल क्रिकेट काफ़ी खेल चुका था, लोकल गाँवों में, इधर उधर फरीदाबाद में, तो ठीक ठाक नाम था कि यार ये लड़का परफॉर्मर है, और कुछ नहीं, क्योंकि बैकअप कुछ नहीं था, ना गॉडफादर था, टैग ये लग गया था मैं विजय यादव अकेडमी का प्लेयर हूँ बट, क्योंकि अब यहाँ पर दो तलवार सर है, मिस्टर तलवार सर जो है कोच साहब, अब वो लाइक नहीं करते थे विजय यादव अकेडमी के प्लेयरों को। अच्छा, हाँ, अब मैं ट्रायल देने गया, मैं चलो सडनली हो गया, क्योंकि हमारे मेरे साथ मानविंदर बिस्ला था, वो लड़का वो मेरे साथ खेल चुका था पहले काफी, और वो भी हिंदुस्तान की बड़ी क्रिकेट, मतलब उसका नाम इतना बड़ा है कि उसका नाम लेने की लोगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंदुस्तान में हर कोई जानता है उसको। तो ये इस बैच में मैं था, तो मैं खेला मैच, पहले तो कहते हैं ना कि जब मैं गया कैंप में तो राजकुमार सर थे हमारे, तो राजकुमार सर ने पकड़ लिया पहले दिन ही, आजा मुर्गा आ गया। एक्चुअली क्या है कि कोच होता है वो अच्छे के लिए करता है कि यार ये लड़का अच्छा है, इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो मुझे आज भी याद है कि नेट चल रहा था, सर ने कहा आज अभी कैच कर लिया, शॉर्ट कैचेस होती हैं, तो उन्होंने चार लड़के अपने लिए DAV स्कूल के, गौरव शर्मा था एक और बलवीर रावत लड़का, अच्छा वही से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर बलवीर रावत भी, गौरव ये लड़के जो हमारे बैच था, तो हम चारों को कैच, उसमें क्या था, सर ने बोला जो छोड़ेगा वो बाहर है। आज भी वो दिन याद है मुझे अपनी लाइफ का। तो ये लगा लीजिए, मुझे लगता है सर ने 200 कैचें मारी होंगी चारों को। अच्छा, और मेरी एक भी नहीं छूटी, और उन तीनों से छुड़वा दी, तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर सर ने कहा कि यार इसको खिलाओ, लड़का है, इसमें दम है कुछ, सर ने पहचाना मुझे और उन्होंने बैकअप किया मुझे, और फर्स्ट डे जब मैं खेला तो मुझे आज भी याद है, यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैच था, उस दिन मुझे विकेट नहीं मिली। तो अभी आप क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, स्कूली। अच्छा, तो फर्स्ट डे मुझे विकेट नहीं मिली, तो मैं, मुझ पे साइकिल थी, मुझे आज भी याद है, मैं अपने घर जा रहा था, तो मैंने कहा हो गया ख़त्म पैकअप जी, चलो क्रिकेट गई। हाँ, जो जितना बड़ा सपना देखा था टूट गया था उसी दिन, क्योंकि देखो जब 10 खेल रहे हैं, बिल्कुल, और मैं अकेला खेल रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग थी थोड़ी थी, तो वो मैंने अपनी मेहनत से ख़त्म की थी, बट होता है ना कि भाई अब तो गए हो गए, क्योंकि 3-4 लड़के DAV स्कूल के बाहर बैठे हुए थे, उसमें से एक ऑफस्पिनर था अमित मलिक, वो इज़ माई ब्रदर, लाइक माई ब्रदर, तो अब मुझे वो दिख रहा था मुझे तो, बट राजकुमार सर ने मुझे सेकेंड डे भी खिला दिया, तो मैंने 5 विकेट ले ली, उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कभी कभी नहीं देखा कि को जहाँ गए हम खेले, फिर तो हर जगह खेला हूँ, तो ये स्टार्ट था मेरा। तो सर क्लब क्रिकेट भी आपने खेला ही होगा, तो उसमें कोई एक ऐसा मैच जो आपको याद हो कि नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने, या बहुत ही खराब परफॉर्म किया हो मैंने, कोई ऐसे यादगार मैच? अपना फरीदाबाद में NIT में 2 नंबर हैं, यहाँ पर फरीदाबाद में मैटिंग क्रिकेट बहुत होती है। अभी ये तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ, जितनी अकेडमी बन गई है अपने फरीदाबाद में, इतनी फैसिलिटी हो गई हमारे फरीदाबाद में कि बच्चों के लिए इतनी अकेडमीज हैं, इतनी फैसिलिटी हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैटिंग थी, हमें पता है अपनी साइकिल पे रख रख के ले जाते थे चार लड़के, मैटिंग गाड़ना, विकेट बनाना, फिर खेलना, फिर खेल के भी मैच जीतना, परफॉर्म करना,
और आजकल तो विकेट बने ही मिलेगी, सब कुछ तैयार मिलेगा, लंच मिलेगा, सब कुछ है भाई। तो मुझे याद है एक टूर्नामेंट था यहाँ पर, लोकल टूर्नामेंट था, तो एक सीनियर थे हमारे सुभाष चौधरी, वो बड़े अच्छे प्लेयर थे, डीएस ग्रुप से खेले, लोकल क्रिकेट में बड़ा नाम था उनका। तो उनके फादर के नाम से एक टूर्नामेंट था यहाँ पर, तो मैं विजय भाई की एकेडमी से अपना टूर्नामेंट खेलने आया, तो इनके अगेंस्ट खेला मैं, एक प्रोफेशनल टीम बनी हुई थी। तो उस दिन मैंने 70-80 रन बना दिए, 2-3 विकेट, मैन ऑफ द मैच बन गया था। उन्होंने बोला कि यार तुझे मैं दिल्ली खिलाता हूँ, एक हो जाता ना गॉडफादर मिल जाता है कहीं ना कहीं, एक घोड़ा जब दौड़ने वाला दिखता है तो सवारी कोई ना कोई बन जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप भी अपने लिए जब अभी चैनल में आप अच्छा करोगे ना, तो अपने आप भी ऊपर सीढ़ियाँ चलती चली जाएगी। तो मिले मुझे, तो वो खेलते थे जे एन गोल्डन, एक क्लब था DDC में, और उस क्लब से मुझे बहुत कुछ मिला, प्यार मिला मुझे, बड़े भाई मिले वहाँ, और मुझे सीखने को इतना मिला वहाँ पर, मैं बता नहीं सकता। आज जो भी हूँ मैं उस क्लब की वजह से, जे एन गोल्डन। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ ना जो आशुदानी, बहुत बड़ा नाम है इंडिया के लिए, उनके साथ पहला मैच हमारा सोनेट क्लब से। अच्छा। और कोटला में, अब मुझे तो ऐसे लगा मेरा तो ड्रीम ही पूरा हो गया, कोटला में, कोटला में खेलना, पहला मैच मेरा लाइफ का कोटला में, और ए डिवीजन का मैच, वो भी उधर से आशीष नेहरा भाई, आकाश चोपड़ा, देविंदर शर्मा, और भी बहुत बड़े नाम जो थे, शिखर धवन सामने खेलने आ गए। भाई मैं खेल देखो भाई, बट वो जो लोकल क्रिकेट इतनी खेला था, कॉन्फिडेंस उसका बड़ा, कहते नहीं कि एक्सपीरियंस, और बड़ा काम आया मुझे कि दिमाग चलता था कुछ, वो कहते ना खोने को कुछ था नहीं, एवरीडे पाने के लिए जाते थे हम, कि अपने पीछे तो कुछ नहीं है, तुझे लेके जाऊंगा। तो उस दिन मैं खेला, तो मैंने पहले मैच में ही आई थिंक 8 होल डाले थे, और मैंने 30 रन दिए थे और 3 विकेट ले ली। वहाँ से क्लब ने मुझे बहुत प्रमोट किया, वहाँ पर थे एक हमारे सीनियर महेंद्र राठौर, वो लाइक मतलब ये लगा लीजिए वो प्लेयरों को इतना प्यार करते थे, उनका ही क्लब था, फाइनेंसर भी थे, कैप्टन भी थे, और मतलब इतना अच्छा नेचर मैंने लाइफ में नहीं देखा, कि इतना मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना प्यार करते थे हर प्लेयर को अपने छोटे भाई की तरह, और आज भी वो आज भी मेरे साथ हैं, और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो हमेशा सपोर्टिंग। तो उस क्लब से खेला, और मैंने सबसे अच्छी चीज़ सीखी वहाँ पर, आजकल क्या है, बच्चे को भेज दो आप एकेडमी में मैच खेलने के लिए, फिर मैच होते हैं, मैच में बाहर बैठ गया तो पेरेंट्स कह देते हैं अरे यार यहाँ से एकेडमी चेंज करो या मेरे बच्चे को। बट मैं आज आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। मैं उस क्लब में परफॉर्मर होके बस लीग खेल रहा था, टूर्नामेंट में मुझे बाहर बैठा देते थे, क्योंकि दो सीनियर और भी था ऑफ स्पिनर उसमें, अब तीन खेलना, तो अब जब टूर्नामेंट आता तो लीग में तो चांस मिलता है क्योंकि 15 मैच है, टूर्नामेंट में हार गए तो बाहर है, तो वो क्या करते थे टूर्नामेंट में मुझे बाहर बैठा देते थे। महेश रावत को मैं साथ ले गया तो वो खेलता था। अच्छा। जिसको मैं साथ ले गया वो खेल रहा, मैं पानी पिला रहा हूँ, मैं ठीक है, बट मेरे अंदर कभी ये नहीं आया कि अरे मैं पानी पिला रहा हूँ फरदाद से जाके, कभी दिल्ली के किसी कोने में, कभी मयूर विहार मैच है, कभी किस कोने में, कभी रात को मैच हो रहे हैं। बट मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी कि जो आजकल कोचिज देखते हैं 11 अंदर क्या हो रहा है, बैटिंग क्या हो रही है, कैसे बैटिंग कर रहा है वो, जो बाहर से आज कोच बता, वो चीज़ मैंने देखी। और पानी पिलाना तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वरदान मिल रहा है। और उस एक साल के बाद मैं कभी ड्रॉप नहीं हुआ आज तक, और मैच खेला हूँ, और मुझे नहीं लगता मैंने परफॉर्म किया नहीं है, मैंने हर मैच में परफॉर्म किया उसके बाद। तो सर मैं भी इसी बात पे मैं भी अपने किस्सा बताता हूँ कि एक बार मैं मैच खेल रहा था, तो मेरे ना वो बहुत पिच, जो पिच थी ना वो बहुत ग्रासी पिच थी, तो मेरे कोच ने मेरे को भेजा कि यहाँ पे डिफेंस करियो, यहाँ पे अटैक करियो, आगे बढ़ के डिफेंस मत करियो। अच्छा। ग्रासी पिच पे। ओके। तो अब मैंने उसका अपोजिट कर दिया और मैं हो गया आउट स्लिप पे जाके। तो फिर मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को मेरे सर ने एक खींच कर हैप्टा दिया कि तेरे को जो बोला तूने वो क्यों नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा ना माइंड उस टाइम वो हो जाता है कि थोड़ा सा अपने हिसाब से खेलो, क्योंकि मैं डिफेंसिव था, मैं प्लेयर ही डिफेंसिव था, मैं नहीं खेलता अटैकिंग। तो कभी आपके संग ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी कोच ने डांटा हो अपने, कि बहुत बुरा वाला डांटा हो कोई ऐसा?
कोच तो नहीं, मुझे याद है कि हम लोग जब विद्यार्थी अकेडमी में खेलते थे तो हम मैच बहुत खेलते थे। स्टेडियम की एक टीम बनी होती थी, पंकज भाई बना के लाते थे, पंकज ठाकुर, वहां से मानविंदर बिस्ला, ये लोग सब पूरे स्टेडियम की टीम, बहुत अच्छी टीम, जो मतलब उसमें से मुझे लगता है 8-9 लड़के तो स्टेट खेल रहे हैं। पंकज ठाकुर मतलब इंडिया ही नहीं खेला, इंडिया ही खेल रहा था उस टाइम भी। 2 साल कंटिन्यू रणजी ट्रॉफी बेस्ट बॉलर बनना मुझे तो लगता नहीं आज तक बना है, मुझे लगता नहीं है कंटिन्यू 2 साल कोई बेस्ट बॉलर बना, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर वो प्लेयर 3-4 मैच खेल लो आप तो क्या होता है कि एक मुझे आज भी याद है, हम एक मैच खेल रहे थे इनसे, तो मैच हम हार गए थे, तो प्रवीण भटनागर आए हुए थे, प्रवीण भैया मैच देखते थे, वो मैच पूरा देखते थे, तो हमारे तो मुझे याद है कि मुझे नहीं लगता कि हम कितने घंटे दौड़े, और उस टाइम हमें लगता था यार ये ना बेकार इतनी गर्मी में क्यों दौड़वा रहे हैं यार, मैच ही तो आ रहे हैं, बट उसका फायदा हमें बहुत हुआ लाइफ में उस दौड़ने का, क्योंकि वो बॉडी हमारी ना ऐसी पत्थर बना दी जाने अनजाने में ऊपर दौड़ते दौड़ते बन गई, कि वो हर जगह वो बॉडी काम आई हमें, वो दौड़ काम आई हमें। तो जो मैंने जो थप्पड़ खाया था उससे मुझे ये सीख मिली कि कोचेस की सुनना बहुत ज़रूरी होता है जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो, ठीक है। तो मैंने जब उसके बाद ना मेरे को बहुत वो हुआ कि अब जो सर को प्रूफ करके दिखाना है, तो उसके बाद से मैं अटैकिंग प्लेयर स्टार्ट हो गया। पहले तो मैं नहीं था इतना अटैकिंग प्लेयर, उसके बाद मैं अटैक करना स्टार्ट हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस लगता है आपको? डिफरेंस तो बहुत है। रणजी ट्रॉफी देखो मैं आपको आज बताऊं, रणजी ट्रॉफी तो मतलब खेलना ही, आज की डेट में मुझे बता दीजिए आप, मुझे लगता है हरियाणा स्टेट में कितनी पॉपुलेशन कितनी होगी, आप कितनी एकेडमीज होंगी, कितने प्लेयर होंगे, कितने रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। फिर आता है आईपीएल, और उसमें डिफरेंस ये है कि वो आईपीएल एक मुझे तो वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म लगता है, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप में तो मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का देख रहा हूँ, यहाँ तो क्रीम जो होती है पूरे वर्ल्ड की वो दोनों आपस में लड़ती हैं, दो कहते हैं ना दो बब्बर शेर लड़ रहे हैं लाइफ में, तो वो दोनों ऐसे क्रीम पकड़ पकड़ के लाते हैं कि और ऐसे मतलब ऐसे लगता है एक को आउट करेगा, दूसरे को करेगा, तीसरे 11 तक ही आउट ही नहीं। आप एक इतने बड़े नाम आते हैं सामने कि भैया पहले तो सामने का नाम पढ़ लो, सचिन तेंदुलकर अच्छा जी आ गया, मैच में खेल रहा था, रिकी पॉन्टिंग अच्छा जी, अब रोहित शर्मा भाई, अब किसको एक को आउट करो, भगवान को आउट करोगे और एक और भगवान आ जाता था। तो और रणजी ट्रॉफी से रणजी ट्रॉफी और इसमें डिफरेंस ये है कि ये स्टेट क्रिकेट है, वो वर्ल्ड कप लगा लीजिए, वर्ल्ड कप से बड़ा क्रिकेट है, और वहाँ एक्चुअली क्या है वो फेम है, वो उसमें इतना कवरेज है कि पूरा वर्ल्ड देखता है। रणजी ट्रॉफी में ये है कि हम इंडिया में ही दिखा सकते हैं अपने प्लेयरों को, बट रणजी ट्रॉफी एक अलग फॉर्मेट है, 4 डे है वो 2020 है, ये डिफरेंस तो आ गया है। पर पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम पर रणजी ट्रॉफी में से जो अच्छे प्लेयर्स होते थे वो चुन के इंडियन टीम में आते थे, पर अब क्या हो रहा है, अब मैं जहाँ तक देखता हूँ कि तो आईपीएल के बेस पे ही जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ही इंडियन टीम में रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी अगर आपने गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू देखा हो, उसने बड़ा अच्छा बोला गौतम ने कि आप ना प्लेयर को 2 साल रणजी ट्रॉफी में रन बनाने दो, आप एक मैच से आप इंडिया कंट्री में दिखाओ उसको, क्योंकि प्लेयर खराब होगा हमारा। तो मुझे भी लगता है कि आईपीएल में 1-2 मैच से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आप सीधी इंडिया खिला दे, मुझे भी यही मेरा भी यही मानना है कि 2 साल जब बैट्समैन रन बनाए और आईपीएल में भी रन बनाए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा जब वो रणजी ट्रॉफी में रन बना के आता है डोमेस्टिक में, तो फिर आईपीएल में बनाता है, फिर देन नेक्स्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में बनाता है, फिर आके खेलता है, तो उसका लेवल ही अलग हो जाता है। तो तब मुझे लगता है कंट्री दिखाएं तो, और कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया देखो आप कभी भी हिस्ट्री उठाओ, वो क्या करते हैं 30 साल का जब हो जाता है तब कंट्री खिलाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे क्योंकि मुझे लगता है कि प्लेयर को चांस मिलना चाहिए, हर जो परफॉर्मर उसको खिलाओ, बट हाँ
एक मैच से कोई इंडिया नहीं खेलना चाहिए मुझे अभी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं? क्रिकेट यार मैं क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट ही फॉलो करूंगा, मेरे ब्लड में क्रिकेट है। तो फिर अभी अभी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल में? फेवरेट वही सबकी, राजस्थान छोड़ के। राजस्थान देखो, राजस्थान तो मेरी हमेशा फेवरेट रहेगी क्योंकि मुझे तो, उसने बिल्कुल मैं मुझे जो नाम मिला, जो फेम मिला वो राजस्थान राजस्थान रॉयल। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे चेन्नई चेन्नई नंबर वन। बिल्कुल। तो इसी से मेरा एक सवाल है कि रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी और आईपीएल, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन वही है कि डोमेस्टिक में आप रन बनाओ अपना, जैसे रणजी ट्रॉफी का होता है, हमारे रणजी ट्रॉफी जो हमारी स्टेट में होता है उसमें पहले एक हमारी पटौदी ट्रॉफी होती है, हम पटौदी ट्रॉफी में परफॉर्म करते हैं तो हम कैंप में आते हैं, कैंप में फिर परफॉर्म करना पड़ता है, अपनी फिटनेस टेस्ट दिया जाता है और फिर उसके बाद आप रणजी ट्रॉफी में आते हैं। रणजी ट्रॉफी में जो परफॉर्म करता है वो दिलीप ट्रॉफी में आता है। दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के बाद कंट्री मिल, दिलीप ट्रॉफी बहुत बड़ी क्रिकेट है, दिलीप ट्रॉफी में जो रन बनाता है और फिर उसके बाद आईपीएल में आ जाता है वो, बट वो देखा जाता है। जैसे एक बार वसीम जाफर भाई ने बोला था यार मैं 200 बनाता हूँ मुझे कोई देखता नहीं है, वीरू 100 बनाता है उसे दुनिया देखती है, बट फॉर्मेट चेंज है ना। क्योंकि मैं एक बार मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, मैं रॉयल चैलेंजर का कैंप कर रहा था, मैंने धक्के हर जगह खाए तो उसका कैंप कर रहा था, ट्रायल दे रहा था मैं, तो वहाँ पर जो कोच थे उन्होंने बहुत अच्छा बोला मुझे सबको ही आफ्टर कैंप कि यार आप टेस्ट मैच खेलते हो 5 दिन का होता है, रणजी ट्रॉफी 4 डे होता है, वन डे 50 ओवर गेम, T20 डिफरेंट गेम, रणजी ट्रॉफी में और आप 5 डे में आपको पूरा दिन टाइम है, आप 100 बॉले खेलो 50 रन बना लो 30 बना लो, उसमें क्या टाइम टाइम के हिसाब से मैच पूरा चेंज होता है उसमें, तो उसमें पूरा टाइम है। 50 ओवर गेम में आप 10 बॉले देख सकते हो, 15 भी देख सकते हो, 20 भी देख सकते हो, उसमें 10 रन 5 रन भी फिर कवर कर लेता प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है क्योंकि विकेट देखनी पड़ती है। T20 में एक ही बॉल के बाद गियर चेंज करना पड़ता है, ये तो है, तो ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया का वर्चस्व कितना है, किस में है, कितना है अभी उसका, क्योंकि अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारी है, तो अभी क्या लगता है आपको कि कितना वर्चस्व है, क्योंकि मतलब टेस्ट में, सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, आप टेस्ट की टीम तो हमारी अगर हम फाइनल खेल रहे तो मुझे लगता है कि उसके बारे में तो पूछना भी बेकार है और बताना भी मुझे लगता है नहीं। अब जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, अब एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो देख लिया 2 फाइनल खेल चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है? नहीं थोड़ा इसलिए थोड़ा सा हम लोग टेस्ट मैच में इसलिए थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि देखो फाइनल खेलना तो हम बराबर ही हैं। हाँ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो फाइनल खेल रहे तो फाइनल चैंपियन खेलते हैं, ठीक है, बस ये थोड़ा सा फर्क है कि हमारे हम T20 वनडे ज्यादा खेल रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बैट चलाना पड़ता है, डेज में क्या होता है बैट रोकना पड़ता है, इतना ही फर्क है, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा वो हार जीत चलती रहती है, अगर हम फाइनल खेल रहे हैं ना तो फिर मुझे लगता नहीं कोई डिफरेंस है या कुछ प्रॉब्लम है हमें हमारे क्रिकेट में। हाँ वो भी है, पर अभी आजकल सेलेक्टर्स पे बहुत बवाल चल रहा है कि सेलेक्टर्स अच्छी टीम नहीं चुन रही है, सेलेक्टर ऐसी टीम चुननी चाहिए उनको, तो अगर आप एक सेलेक्टर होते तो आप 1 से लेकर 11 तक आप किनको कहाँ रखते? नहीं मुझे लगता है बेस्ट टीम खेल रही है, बेस्ट टीम खेल रही है क्योंकि जो टीम खेल रही है कंट्री के लिए खेल रही है, हिंदुस्तान का नाम है सबके पीछे, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जैसा कप्तान मिला हुआ है इस टाइम, जिसको मैं इजमाम उलग बोलता हूँ, इतना टाइम किसी के पास नहीं जितना टाइम उसके पास है बैटिंग करने का, उससे बड़ा प्लेयर आज की डेट में कोई भी नहीं, किसी ने भी 200 इतने बनाए नहीं है वनडे में, T20 100 5 डे में, तो ही से चैंपियन प्लेयर और उसके अंडर खेल रहे हैं, और विराट को तो मैं उसका फैन हो गया हूँ, एक जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में उसने इनिंग खेली, मतलब वो कहते हैं ना कि एक मुजरिम को 1000 गुना माफ, तो मैं तो कहता हूँ भाई उसे पूरी जिंदगी माफ, उसको तो खिलाओ, वो ऐसा चैंपियन है वो, मोहम्मद हारिस को उसने जो 2 छक्के लगाए, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं क्रिकेटर होके मैं बताता हूँ कि मैं रोहित का बहुत बड़ा फैन हूँ, धोनी का, सचिन पाजी का, वीरू भाई का, गौतम गंभीर का, तो बट विराट ने जो उस दिन इनिंग खेली है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं उस दिन के बाद उसका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ, दिल से
कहते ना एक दिल भी है हिंदुस्तानी, बिल्कुल, तो और पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान भी ना होता कोई और भी होता, बट जो उसने बैटिंग की है ना, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं तो सपने भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि आप सबको पता है कि आप राजस्थान की तरफ से खेले, बट आपने आपका सिलेक्शन जो हुआ था आईपीएल में वो दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से हुआ था, तो जब आपको पता चला, पहली बात तो आपको पता कैसे चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, और आपका जब पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं डेयरडेविल्स में था, एक साल साइन किया था, तो उसमें खेला नहीं था मैं, तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी, और छोड़ गया दी थी, उन्होंने रिलीज कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा ये होता है कि यार 99 पे पहुंच के वापस आ गए आप, और फिर देखा उसी वहीं पर उसी जगह से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो मेरे गॉडफादर हैं नरेंद्र हिरवानी जी, बिल्कुल, उन्होंने बड़ा बैकअप किया मुझे, कोई नहीं चैम्पियन है तू, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। तो कहते तेरी आईपीएल ये है, डोमेस्टिक खेल रहा है, तू इसका राजा है ना, तुझे एक दिन कोई ना कोई उठा के लेके जाएगा, यहीं से लेके जाएगा। तो मैं ठीक है, आप गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो आईपीएल यही था, जो मैं अपनी एयर इंडिया के लिए खेलता था वही मेरी, जो भी टूर्नामेंट होता था मेरा आईपीएल था। तो हम डीवाई पाटिल खेल रहे थे, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हिंदुस्तान का, उसमें पूरा हिंदुस्तान खेलता है, मतलब इंडियन टीम पूरी खेलती है। उस टूर्नामेंट का मैं 5 साल खेला हूँ, 5 साल मुझे लगता है मैं 5वें साल बेस्ट बॉलर रहा हूँ, और जो पहली फर्स्ट ईयर जो टूर्नामेंट हुआ था तो उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी था, बेस्ट बॉलर भी था, 2 साल रहा हूँ शायद मैं। तो वहाँ से फिर मुझे कॉल आया, मैं मुंबई में था, मुझे याद आज ही राजस्थान रॉयल्स से, कि कैंप है और ट्रायल है तो आप आइए। तो मैंने हीरो भाई से बात की, कहते जा तेरा टाइम चेंज होने वाला है, मुझे लग रहा है मेरे धुआं तेरे साथ, मेरा आशीर्वाद है जा। तो मतलब बॉडी में वो कहते ना कि करंट लगना इतने जोर से, और वो समझ भी नहीं आ रहा था, हो क्योंकि एक बार आप जब 99 पे पहुंच के वापस आते हो, फिर एक यार ट्रायल है, फिर टेंशन कि भाई फिर परफॉर्म करो। अब आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड कप से भी मुझे लगता है 10 गुना ऊपर है। बिल्कुल। मैं वर्ल्ड कप को कुछ नहीं मानता, मैं आईपीएल को मानता हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि सारी क्रीम खेलती है वहाँ पर। बिल्कुल। तो ट्रायल देने गया, तो राहुल भाई भी थे वहाँ पर, तो मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने राहुल भाई को आउट किया था कैंप में। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे साइन किया गया, साइन करने के बाद भी डर लगा हुआ था, मुझे आज भी याद है, मैं सिद्धार्थ त्रिवेदी और शॉन टेट, हम तीनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं डिनर करने गए थे हम लोग, तो आप क्या 40 बंदे होते हैं पहले, फिर 25-30 होते हैं, फिर उसमें से 25-5 फिर घर भेज दिया, यार वो बड़ा सैड होता है कि यार आपने साइन कर लिया आप घर भेज दिए गए। अब ये टेंशन हो गई कि भाई साइन तो हो गया है, सेलेक्ट हो गए हो, तो वो कहते हैं ना डिनर पे रोटी भी नहीं जा रही थी अंदर, तो सडनली फोन आता है कि भाई तू 25 में आ गया, तो भैया फिर उस दिन तो रोटी भी गई अंदर सब कुछ, और मैंने घर बताया मैं अब रुक गया हूँ यहाँ पर ही हूँ। तो फिर सेकंड डे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हिंदुस्तान की पूरी मीडिया थी, मुझे आज भी याद है, मेरे सामने राहुल भाई से पूछा गया, राहुल द्रविड़ से, कि यार कि आपने एक लोकल प्लेयर लिया है जिसका ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेला है, आई थिंक ही इज़ ए लोकल क्रिकेटर, क्योंकि मैं एक रणजी ट्रॉफी वनडे खेला था, और कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में और इतनी आपने कैसे रिस्क ले लिया कि इतने, और भी बहुत। तो राहुल भाई ने, मतलब मैं वो लाइन भूल नहीं सकता ज़िंदगी में, उन्होंने एक बात बोली, मैंने सकलेन मुश्ताक खेला, मुरलीधरन खेला, ग्रेम चौहान खेला, और भी 3-4 नाम लिए बड़े ऑफ स्पिनर हो गए, कहते हैं उनके हाथ से बॉल छूटता था मुझे नज़र आता था कि क्या डला है क्या गिरने वाला है, कह रहे इस लड़के के हाथ से जब बॉल गिरता मुझे समझ भी नहीं आता, मेरे लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ज़िंदगी में। बिल्कुल। अगर राहुल द्रविड़ ये बात बोल रहा है तो मैं तो वहीं जीत गया था अपनी लाइफ, मैंने कहा राहुल भाई ने ऐसा बोल दिया तो हम तो चैंपियन बन गए, अभी बन गए। तो ऐसे हम वो टाइम था, तो आपने अभी बताया राहुल भाई ऐसे, तो आप अभी वो इंडियन टीम के हेड कोच है, बट आप एज उनके साथ कैप्टन, वो आपके संग खेले हैं, आप एज अ मेंटोर खेले हैं, तो उनके संग आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल?
उनका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब वो कप्तानी लगते हैं, वो लगते हैं भाई खड़ा है कोई, और मुझे लगता भी यही है कि कहते हैं ना घर में बड़ा अच्छा हो तो घर अच्छा चलता है, बिल्कुल। तो वो लाइक ए पेरेंट्स, उनमें सारी क्वालिटी थी, भाई वाली, फादर वाली, कप्तान प्यार से परफॉर्म कराना, डांट तो मैंने देखी नहीं किसी के लिए, मैंने गुस्सा देखा ही नहीं उनका। गुस्सा वो ये करते थे कि अपने ऊपर करते थे जब रन नहीं बनाते थे, अब और किसी के ऊपर नहीं मैंने देखा। अच्छा, और ये से कूल गाय है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे, और बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो कहते हैं ना कि क्लास ऐसी नहीं है, उनको आज गॉड नहीं बोला, गॉड बोले जा रहा है इंडियन क्रिकेट में कि लाइक ए गॉड, तो क्लास थी उनमें, उन्हें बॉल ऑफ द क्रिकेट भी कहा जाता है। हाँ, वो तो दीवार है ही है, तो उस टाइम ऐसी नहीं है खेल रहे थे वो, भगवान की अगर जब आप सामने भगवान खड़ा हो जाते हो तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है ना, वो तो आशीर्वाद सामने दे रहा, खेल भी रहा तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत काम लाइफ में भी आया मुझे। अच्छा, सही है। और आपने जब राजस्थान की तरफ से डेब्यू करा, तब आप बहुत, तब होता है एक नर्वसनेस होता ही है, इतने सारे आपके साथ दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं, राहुल द्रविड़, ब्रैड हॉक, शॉन टेट, शेन वॉटसन भी आपके संग खेले, तो उसके बारे में कुछ आप कुछ बताइए कि तब का एक्सपीरियंस रहा था आपका जब आपने डेब्यू करा। मैंने डेब्यू किया, एक तो बड़ी टेंशन हो रही थी इतना बड़ा टूर्नामेंट, ऐसे जब हम पानी पिला रहे थे, पहले तो मैं ड्रॉप था, मुझे आज भी याद है अंकित चौहान खेलता था, उसमें था साउथ अफ्रीका का एक बॉलर था, स्पिनर बोथा, वो और आज वो बहुत बड़ा प्लेयर था, साउथ अफ्रीका कैप्टन कैप्टन भी रहे, वो एक्सपीरियंस बॉलर था वो, और उसको बैटिंग करता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर था, बिल्कुल कंप्लीट प्लेयर था वो। तो अब हमें तो ये लगता था भाई अब खेलेंगे क्या, अब हम तो इसी में रहते थे कि खेलेंगे, चारों तरफ देखते थे, तो बट मैं अपना दिल से अपना प्रैक्टिस करना, सेशन लगाना, अपना सब कुछ अपना, क्योंकि जो कुछ मिला था मुझे पता है दोनों हाथों से ले लो भाई, सही बात। हाँ, दोनों हाथों से ले रहा था मैं, तो मुझे खिला नहीं थे, तो तब सडनली पता है चौथे पाँचवें मैच में मुझे खिलाया गया कि क्रिस गेल खेल रहा है आरसीबी के अगेंस्ट, ओपनर आएगा तो यार अजीत को खिलाओ, लेफ्ट आर्म ड्रॉप करो, क्योंकि क्या है T20 में क्या मैं नई बॉल डालता, मेरा मतलब मुझे लिया इसलिए गया था कि अरे नई बॉल अच्छी डालता है, पकड़ के डालता है, मारने नहीं देता, तो मैं हमेशा जो क्रिकेट खेला हूँ लोकल क्रिकेट भी, मैं नई बॉल ही डालता था, तो इसीलिए मुझे लिया गया। कहते यार गेल आएगा तो अजीत को यूज़ करो, मुझे बोला गया आप खेल रहे हो, मैं ठीक है सर खेल रहे हैं, तो सारे भगवान याद आ गए रात को जितने भी थे सारे ले लिए, जय बजरंगबली, बजरंगबली के वक्त, तो भैया खेले तो पता चला सामने विराट कोहली और दिलशान दोनों अंदर आ गए, गेल बाहर बैठा हुआ तीन नंबर में, मैंने राहुल भाई क्या हो गया उल्टा हो गया, तो मैंने कहा दोनों राइट चेंज कर लो मुझे, मतलब होता है ना कि राइट ही आ गए तो हाँ। वो तीन नंबर बैठा है उसको मैं डाल लूंगा, राहुल भाई कहते नहीं तू नई बॉल डालता, तू डाल कोई बिंदास डाल, तो मुझे आज भी याद है मैंने तीन ओवर पहले सर्कल में डाला, मैंने 13 रन दिए होंगे, तो 13 रन तीन ओवर में, और वो भी विराट के सामने, दिलशान के सामने, फिर गेल भी आ गया था, वो अमेजिंग हो गया था, तो कहते ना फिर कॉन्फिडेंस ही अलग हो गया था, तो लास्ट ओवर वो मैंने डाला, एवीडियस सामने खड़ा था, उसने 2 छक्के मार दिए, फिर भी मैं 27 रन दे के 4 ओवर में 27 रन देना, तो अमेजिंग बॉलिंग हो गया, तो ये एक्सपीरियंस था, और जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा आ गया था, थोड़ा आया था, ऐसा नहीं है 50-50 हो गया था मैं। तो मुझे एक मैच याद है जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे गिलक्रिस्ट थे और आपने उनको स्टम्प्ड करके एक अपील करी, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे, तो राहुल सर आए, उन्होंने उनको काम करा, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताइए, तब आपके मन में क्या चल रहा था। मेरे मन में तो कुछ भी नहीं था भाई, वो दिमाग ही चलता था हमारा, तो उस टाइम मुझे याद है वो बॉल, और अगर मुझे लगता है आज भी मुझे लगता है, अगर पूरी वीडियो देखोगे आप एज ए क्रिकेटर, मुझे लगता है कि मैं तो, अगर उन्होंने मिड ऑन पे बॉल मारा है तो नॉन स्ट्राइक पे गिलक्रिस्ट था, वो वॉक रन लेने के लिए जैसे थोड़ा स्टार्ट लेते हैं, वो वहीं पर रुका हुआ है बॉल, राहुल भाई ने मेरी तरफ फेंक दिया, तब तक भी वो बाहर ही है, आप देखो पूरा वीडियो, तो मैंने मेरा जो है मैं, मुझे तो लगता है कि रन आउट करो भाई, इतना बड़ा प्लेयर बाहर ही घूम रहा है जैसे पार्क में घूम रहे हैं, मैंने वो कर दिया, आई वाज देट,
अंपायर को। अब भाई देसी थे हम गांव वाले, ना मुझे उसकी इंग्लिश समझ में आए, ना वो मेरी तरफ पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा। मैं राहुल द्रविड़ को बोला, राहुल भाई को, राहुल भाई समझना क्या कह रहा है। तो राहुल भाई ने समझाया उसको जो भी था, जब तक दो चार गाली पड़ चुकी थी मुझे से। तो एक और मैच मुझे याद आ रहा है, तो पुणे वॉरियर्स के खिलाफ आपने रॉबिन सर, सौरभ सर और जेसी राइडर सर को आउट करके हैट्रिक चटकाई। तब आपके मन में कितनी बटरफ्लाइज थी, कितनी खुशियां थी? जब मैंने आपको बताया अभी कि मैं पहला मैच खेला, उसके बाद मुझे ड्रॉप किया गया, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर अंकित को खिलाया गया, तो मन में एक ही चीज थी यार, एक चांस और मिलना चाहिए मुझे। और हम ना उसके बाद 3-4 मैच कंटिन्यू हार गए थे, लास्ट 4 मैच रह गए थे। तो वही शेन वॉटसन और अपना ओविस शाह था इंग्लैंड का प्लेयर, वो ब्रैड हॉज, ये चारों मुझे बहुत लाइक करते थे। तो उन्होंने बोले राहुल भाई को मीटिंग में कि यार मैच तो हार ही रहे हैं, अंकित अच्छा नहीं कर रहा। होता है यार, देखो हर किसी का टाइम अप डाउन चलता है, वो कुछ अच्छा 3 ओवर 2 ओवर अच्छे करे, 30 रन कोई दिक्कत नहीं, वो चलता है। बट उन्होंने बोला यार अजीत को खिलाते हैं, देखते हैं इसको खिला लो, ये अच्छा कर रहा है वैसे। तो मुझे अब ठीक है बोला उन्होंने, बट कोई रिएक्शन नहीं आई, सडनली नहीं लेते ना वो, फिर रात को मीटिंग होती है, टीम मीटिंग होती है जो भी है। तो नेक्स्ट डे जिस दिन मैच था उस दिन हमारा एक बिफोर मैच हमारा आफ्टर ब्रेकफास्ट टीम का एक सेशन होता था, पूल सेशन, उसमें टीम बताई जाती थी पहले। तो पूल सेशन चल रहा था तो मुझे बोला गया कि भाई आज आप खेल रहे हो, पहली बात तो खेल रहे हैं तो एक चलो उस दिन जोश आ गया। मैंने भगवान आज इज्जत बचा लियो, मैंने कहा मुझे जब मैं T20 हुआ था स्टार्ट अपना IPL, तो मैं जब DY पाटिल खेल रहा था वो T20 था और मैंने परफॉर्म किया वहाँ से, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि 100 में से 90-95 बच्चे उठा लिए थे। एक मैं ऐसा लड़का था जो परफॉर्मर था उस टूर्नामेंट का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर, मैं ही नहीं लिया पूरी 8 की 8 टीमों में। तो एक दिल में वो थी कि यार बताओ, मुझे लगता है फॉर्मेट मेरा है और मैं ही नहीं लिया। तो फिर चांस मिला मुझे सेकेंड मैच का, जैसे ही मैंने कहा जी चंदेला ये मौका मिला इसे मत जाने दियो। वो कहते हैं ना कि भाई जब इतना सब कुछ करके आए, इतनी मेहनत करके आए, तो भगवान वो कहते हैं ना रिजल्ट जरूर देता। हमेशा मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है हार्ड वर्क जो ही करता है उसको रिजल्ट हमें 100% मिलता है। तो भगवान ने वो ऐसा हाथ रखा कि वो मुझे आज भी याद है, वो रात को मैंने कहा यार हैट्रिक मिल जाए तो यार कैसे रहेगा, सीरियसली मैंने कहा भाई हैट्रिक मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। और जब मैं मैच खेलने गया तो 2 आउट हुए पहले, पहला जेसी राइडर आउट हुआ मिड ऑन पे, फिर गांगुली भाई, सौरभ गांगुली भाई स्टंप हुए, अब रॉबिन आ गया, वो मेरे साथ ही खेलता था एयर इंडिया में। पता नहीं वो कहते हैं ना कुछ इंस्टीट्यूशन वो आ जाती हैं कि हाँ भाई अब कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है लाइफ में, होता है मुझे लगता है गट फीलिंग हो जाती है। हाँ गट फीलिंग हो जाती है। तो मुझे वो बॉल जब डाला मैंने कहा यार अजीत डाल और स्टंप होगा, मैंने बॉल डाला वही हुआ जो सोचा था। तो भाई वो तो मतलब समझ में नहीं आया हुआ क्या है, मुझे आज भी याद है ना तो मैंने हैट्रिक बॉल ली, वो कहते हैं इतनी बड़ी हैट्रिक ली मैंने, मुझे बॉल भी याद नहीं है, बॉल वॉल ले जाओ सारे हैट्रिक ले ली। मतलब एक क्रिकेटर पे ये बताओ इतना दिमाग नहीं था उस टाइम कि यार ये बॉल रखनी चाहिए। तो अब मतलब फिर तो बन गए थे स्टार, तो मुझे आज भी याद है। फिर तो क्या कॉर्पोरेट हाउस चलता है वहाँ पर, बहुत की मीट एंड ग्रीट होती हैं, जितने हमारे स्पॉन्सर होते हैं सब। तो उसके बाद मेरी मार्केटिंग हो गई थी राहुल भाई मुझे खुद ही, मुझे आज याद है, मेरे CEO थे जो मैनेजर थे, कह रहे भाई हर जगह तेरी डिमांड हो रही है अजीत चंदेला को लाओ। तो मैंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक SBI बैंक का ओपनिंग की थी जयपुर में, मैंने और राहुल भाई ने, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक के। तो राहुल भाई के साथ बैठा था, कह रहा भाई तेरी डिमांड होने लगी, आज भी वो दिन याद है। तो वो कहते ना हैट्रिक के बाद ये हुआ था। तो राजस्थान की टीम से जब आप खेल रहे थे तब होता नहीं कि मैच में जो हो गया पर ड्रेसिंग रूम में आके एक अलग ही वाइब्स आती है, एक अलग ही माहौल होता, तो कोई ऐसा पल या कोई ऐसा वक्त जो बहुत फनी भी रहा हो, कुछ अच्छा भी रहा हो, कोई ऐसा कोई
फनी तो हम हमेशा फनी रहते थे, क्रिकेट में सारे फनी होते हैं, वो हर मोमेंट में फनी रहते हैं। सीरियस मैंने देखा ही नहीं है, बहुत कम देखे हैं सीरियस। एक्चुअली क्या है कि हमें पता है यार, देखो कोई भी बड़ा प्लेयर, आज आप भी बैठे, आप भी परफॉर्म करने के लिए बैठे, हर कोई चाहता है कि मैं परफॉर्म करूं, और जितना जल्दी आप ना कहते हैं ना उस चीज़ से निकल जाओ, नेगेटिविटी से, तो आप चैंपियन बन जाओगे। तो कोई नहीं चाहता मैं यार 10 रन पे आउट हो जाऊँ, हर कोई चाहता 100 बनाऊँ मैं, हर कोई चाहता 5 विकेट लूँ। फनी मोमेंट तो यार वहाँ एवरी डे होता था, मतलब वो माहौल इतना अच्छा था हमारी टीम का ना, मैं बता भी नहीं सकता। और वो क्या, एक क्या बताऊँ, 100 है हमारे तो वहाँ पर, तो मतलब मैंने एंजॉय किया वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स। तो कभी मतलब टीम में कभी किसी से लड़ाई हुई है या टीम के किसी, मतलब टीम में नहीं, मतलब किसी अपोनेंट टीम से? सबसे बड़ा एग्जाम है वो इंसिडेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, गिलगिस्ट वाला, और बस यही हुआ था। और वो फनी भी मुझे लगता है वर्ल्ड में इससे फनी कुछ है ही नहीं। जब भी बिग बैश आता है या IPL आता है या कोई लीग आती है जहाँ कमेंट्री करते हैं गिलगिस्ट में, तो वहाँ पर ये वीडियो जरूर डल जाती है। तो अभी अभी कोई, अब तो रिटायरमेंट हो गया, तो कोई अभी कोई लीग खेल रहे हो या खेलने वाले हो कोई? अभी मैं, मेरा ड्रीम जो है और मैं जिसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, एक दो लीग हैं बाहर की भी हैं, जैसे आज कनाडा लीग है, US लीग चालू है, क्रिकेट बहुत हो गई है, अपना बांग्लादेश है या श्रीलंका है, और इंटरनेशनल T20 है, T10 है। मैं अभी उनकी तैयारी कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपना दोबारा एक बार ग्राउंड में आऊँ, और अपना सेलिब्रिटी, ये अपना लेजेंड लीग है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, रोड सेफ्टी उनकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सही है। तो एक अभी थोड़ा माहौल थोड़ा बदल जाता है, अभी एक सीरियस बात करनी थी आपसे, कि एक सीरियस सवाल था आपसे कि सबको पता है राजस्थान की टीम से मैच फिक्सिंग का एक स्पॉट का एक मुद्दा आया था, उसमें आपका भी नाम शामिल था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो उसके बारे में आप सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जो हुआ वो कुछ ऐसा था नहीं, और वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लाइफ में पॉजिटिव हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, पीछे जो गया गया, डिलीट हो चुका है मेरी लाइफ से, ना मैं उसको बुरे वक्त को सोचता हूँ ना कभी फील करता हूँ। उस बुरे वक्त में मेरे फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने इतना साथ दिया कि मुझे आज मैं जो बैठा हूँ, मैं जो खड़ा हुआ हूँ लाइफ में, वो सब मेरे परिवार की वजह से, और मेरे जो वेल विशर थे, दोस्त थे, उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो इस बुरे वक्त में कोई ऐसा नॉन क्रिकेटर जो आपके संग खड़ा हुआ उस टाइम पे? मेरे गॉडफादर हमेशा मेरे साथ रहे थे, नरेंद्र शिवानी, वो हमेशा मुझे फ़ोन भी करते थे, मैं जब फ़ोन करता था तो वो उठाते थे। सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, सबसे मतलब वो मेरे भगवान भी थे उस टाइम, ये समझ लो मैं, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाती हैं कि मैं किसी को कुछ ऐसा कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है ये इंसानियत है कि जब बुरा वक्त आता है लोग चेंज हो जाते हैं, लीव इट, वो ख़त्म हो चुका है। पर हाँ, हमेशा नरेंद्र रिवाणी जी ने मेरा मुझे सपोर्ट किया। तो सर एक IPL से जुड़ा एक और सवाल मेरा है कि IPL में, IPL की दुनिया का, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ क्या है? IPL की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मुझे आज आप अगर IPL 2008 में स्टार्ट हुआ था और टिल 2023 तक जितने प्लेयर IPL खेले, पहले क्या था कि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे सीनियर है मेरे जो पंकज ठाकुर, दिन बताया मैंने, जो जिन्होंने हमें रॉ से डायमंड बनाया, तो उन्होंने बताया थे कि अजीत हमें ना 5,000 रुपये मिलते थे रणजी ट्रॉफी के, 5,000 रुपये, वो भी कब, पहले तो 1,000 रुपये पता नहीं, 500 रुपये पर मैच में। हाँ, तो IPL आने के बाद क्या हुआ है, प्लेयरों को पैसा मिला है, फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि अगर हम रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, मुझे आज बता दीजिए बिफोर IPL कितने रणजी ट्रॉफी की जॉब लगी है, कितने प्लेयरों की, कितने बच्चे खराब हुए हैं, कितने U19 खेल के खराब हो गए, पता नहीं आज कहाँ है वो, क्या नौकरी कर रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं। आज IPL से ये फ़ायदे हो गए, जो IPL 3 साल भी खेल गया है, वो एटलीस्ट अपने अपने फैमिली के लिए इतना पैसा दे रही है, BCC इतना पैसा दे देती है कि अपनी लाइफ सेटल है, फाइनेंशली एकदम, मतलब अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो IPL से ये बहुत फ़ायदा हुआ है, उसमें पावर मिली है, फेम मिला है, सब कुछ है। अगर आप IPL खेलते हो, आप आज एक IPL प्लेयर आपके यहाँ पर आता तो आप देखो भीड़ इतनी लग जाएगी,
आज मैं विराट कोहली को खड़ा कर दी, चलो छोड़ो विराट कोहली तो बहुत बड़ा नाम ले दिया मैंने, आज राहुल तेवतिया को खड़ा कर दीजिए और एक मुझे लगता है एक मंत्री को खड़ा कर दीजिए साइड में, दोनों को खड़ा कर दीजिए, मुझे लगता है राहुल तेवतिया की तरफ सब भागेंगे। और अगर विराट कोहली खड़ा कर दो एक साइड, एक इस रोड पे, उस साइड पे अंबानी को खड़ा कर दो, आप किधर जाओगे? विराट कोहली। तो ये फर्क है, आ गया। तो वो फेम आईपीएल से सब बच्चा दिख गया ना, आईपीएल में हर बच्चा दिख गया है बिल्कुल, क्योंकि जो रणजी ट्रॉफी में नहीं दिखता था ना वो आईपीएल में आईपीएल ने दिखा दिया है। वो जब टीवी पे आता है पूरा वर्ल्ड देखता है यार, और एक मैच में परफॉर्म करता है उसका, एक मैन ऑफ द मैच ही ना उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, वो पूरी मीडिया कवरेज ऐसी होती है पूरा वर्ल्ड में, होते हैं कहते ना सितारा चमक गया वो है। ये तो चलो अच्छी अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ क्या होगी? मुझे तो लगता नहीं है बुरी चीज़ आईपीएल से, सीरियसली मुझे कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं लगती इस आईपीएल से। आईपीएल जिन्होंने स्टार्ट किया था मैं तो उनको दुआएं देता हूँ, मैं सीरियसली मैं उनको दुआएं देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं, अब आप देखिए आईपीएल प्लेटफॉर्म को देखते हुए पूरे वर्ल्ड ने T20 चालू कर दिया, पूरे स्पोर्ट्स ने, आप कोई भी हॉकी ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, लॉन टेनिस ले लीजिए, कोई भी, सब ने अपनी लीग चालू कर दी। कबड्डी को कौन जानता था, कौन, कोई प्लेयर का नाम नहीं जानता था मैं, हॉकी का तक नहीं जानता था मैं, बस एक धनराज पिल्ले को जानता था मैं, सीरियसली धनराज पिल्ले को। आज सबको, बच्चों को ना कबड्डी प्लेयर का पता है, बैडमिंटन का पता है, हॉकी का पता है। आईपीएल के पीछे पीछे देखो सारे प्लेयरों को, पूरे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबको फेम मिल गया, पैसा मिल रहा है, तो थैंक्स फॉर आईपीएल। तो अभी जैसे T20 लीग्स तो बहुत हो गई हैं, पर आजकल T10 लीग्स भी चालू हो गई हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट में? नहीं, क्रिकेट में इम्पैक्ट नहीं है, देखो नई चीज़ आ रही है आज की डेट में, पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए। आज आप खुद देखिए लाइफ में ना टाइम कितनी तेज भाग रहा है, बिल्कुल। वो लोग प्रोफेशनल लोग बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट हाउस वाले क्या बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। तो हर कोई चाहता है रिजल्ट ना जल्दी ठक 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 हो, तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई क्या कि अब पहले T20 चालू हुआ, T20 में अब आपको पता है यार मैं ना 3 घंटे में मैच देख लूँगा, अच्छा मुझे मीटिंग भी करनी है, दिस, आप फैमिली को भी घुमा लूँगा, आपके पास टाइम है, आपको रिजल्ट भी मिल गया, आप इन्जॉय भी कराए, तो अब आप देखो, इसलिए टेस्ट मैच का भी थोड़ा ग्राफ नीचे जा रहा है। और T10 का क्या हो गया है, T10 भी सेम IPL कॉन्सेप्ट है, उसको और एक एंटरटेनमेंट टाइप बना दिया गया है कि भाई क्रिकेट भी देखो, इन्जॉय भी करो, अपना काम भी कर लियो, टाइम भी मिलता है उसमें। पर पहले क्या होता था, क्रिकेट को ऐसा क्रिकेट जानते थे, एज अ स्पोर्ट खेला करते थे, अब एज अ एंटरटेनमेंट हो गया है, टाइम कम हो गया है तो एंटरटेनमेंट भी हो गया है, अच्छा है ना। तो देखो स्पोर्ट्स भी मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, जितनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है मुझे लगता है, आज मेरा बेटा खेल रहा है, मैं अपने बेटे को कहता हूँ तुझे कोच की जरूरत ही नहीं है लाइफ में, और मुझे भी लगता है कि कोच की इतनी जरूरत नहीं होती हमें, क्योंकि अगर हम जैसे मैं जब क्रिकेट खेला था तो ऑफ स्पिनर मैंने शकलेन मुश्ताक को माना था अपना एक कि ये आइडियल क्रिकेटर, तो मैं उसकी बॉलिंग देखता था टीवी में, मुझे शकलेन मुश्ताक तो आज तक नहीं मिले, मेरा तो पंकज ठाकुर भगवान है जिसने मुझे बॉलिंग बताई, सीरियसली पंकज ठाकुर भाई ने ही मुझे बताया कि बॉल कैसे फेंकनी है। मैं मुझे आज भी एक दिन याद है, मैं स्टेडियम में बॉल फेंक रहा था, तो मैंने पंकज भाई को बोला, पंकज भाई मेरा घूमता नहीं है यार बॉल, यार घूमता नहीं है, पर तेरा तुझे पता है तेरा टप्पा बहुत अच्छा है, तेरी जगह बहुत अच्छी है जो मुझ पर भी नहीं है, हर किसी को नहीं देता भगवान, तेरी हाइट अच्छी है, तुझे आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने कहा भैया और कुछ बताओ, उन्होंने एक चीज़ बताई कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कि यार एक बैट्समैन जब हम कवर ड्राइव मारते हैं, एक डिफेंस करते हैं, तो ऑफ स्टंप वाली ड्राइव मारेंगे, ऑफ स्टंप वाला थोड़ा सा डिफेंस, फोर्थ विकेट होती है, फोर्थ या फिफ्थ की विकेट, उन्होंने कुछ नहीं करना, कह रहे इस एरिया को पकड़ ले बस, कह रहे तेरा जिस दिन फिंगर लग गई तो डेंजर, सीधी होगी तो डेंजर। तो वो गुरु मंत्र ले लिया उस दिन मैंने, वो आज मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ, हर ऑफ को आपके चैनल के थ्रू बोलता हूँ, भाई वो जगह पकड़ लेना जिंदगी में एज ए ऑफ, वो जगह सीधी हो गई तो डेंजर है, मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ भाई सीधा हो गया उल्टा हो गया, उल्टा गिरा है सीधा होगा कुछ नहीं पता बॉलर को, पर ये जगह बहुत अच्छी है। तो सर अभी आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम में दोनों में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है,
कोई एक तो बोलना पड़ेगा, रोहित शर्मा, ये तो इंडियन टीम में हो गया। आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर बड़ा कंफ्यूजन है, 10 टीमें होगी। मैं आपको बताऊं मेरा मुझे फेवरेट, एक तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा, मुझे आज मैसी बताऊं, बिल्कुल मेरा मोहित शर्मा, मोहित शर्मा मुझे आज उस लड़के, अभी जो मैं नाम लिया ना एक करंट सा आया, सीरियसली बता रहा हूँ, उस लड़के को मैंने ना मिट्टी से निकलते हुए देखा है, और जो ड्रॉप हुआ है उसकी स्टोरी बाद में मुझे पता चली है। और एक वो प्लेयर था जिसने मुझे हमेशा मेरा, मतलब मुझे जो भाई बोलता था ना उस नेगेटिविटी में मुझे भाई बोला उसने, मुझे आज भी याद है, उसने अपनी शादी का मुझे इनविटेशन भेजा। आई एम शॉक्ड कि लोग चेंज हो गए थे, दुनिया चेंज हो गई थी। एक ऐसे बच्चे ने मुझे जब याद किया ना कि यार भैया आपको शादी में आना, फ़ोन आया मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा भाई एक बात बोलूँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कि मैंने कहा दुनिया आएगी वहाँ पर यार, पर मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, और तूने मुझे बुलाया इतनी बहुत बड़ी बात है, इस टाइम मुझे याद किया। पर उसने एक वर्ड बोला, भैया मैं ज़िंदगी भर आपको नहीं बोल सकता जो आपने मेरे लिए किया था, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे रहूँगा। तो इस लड़के ने जो कमबैक किया ना अनकैप्ड, अब तो भी तो कहते ना दूसरा जन्म, मुझे मोहित शर्मा सैल्यूट करता हूँ उसको, जो उसने वापसी की, जो क्या कहते हैं गुजरात में जिन्होंने अभी कमबैक करा है। हाँ मोहित शर्मा, मोहित शर्मा। अच्छा मैं अपना, मैं अगर आपको अपना फेवरेट प्लेयर बताऊँ, मेरा है रिंकू सिंह, जो अभी कोलकाता से खेल रहा है। अभी फिलहाल उनका आयरलैंड में भी सिलेक्शन हो गया इंडियन क्रिकेट टीम में, और अभी एशियन जो गेम, एशिया कप नहीं, एशियन गेम्स के लिए जो क्रिकेट टीम जा रही है जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, वो उस टीम में भी है, तो मेरा फेवरेट वो। आज की डेट में ना मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, दुनिया कहती है पैसे वाले पैसे वाले, मैं और मेहनत, मैंने आपको बोला मेहनत हमेशा रंग लाती है, उस लड़के की मेहनत रंग लाई है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने बैटिंग करते हुए देखो, वो अट्रैक्टिव नहीं है, बट वो जो बैटिंग कर रहा है, जो रन बना रहा है, वो एज ए फील्डर आया था आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे एक और लड़का मुंबई इंडियंस में, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मुंबई इंडियंस में, वो सिर्फ 12 में ही रखते थे उनको कि ये फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो फील्डर लाइक ए गोली, वो मतलब वो एक जो आप दो रन ले रहे हो एक बना देते हैं, बिल्कुल जो चौका जा रहा है उसको दो में बना देते। तो आईपीएल में ना एक एक रन भी हमारे काम आता है, बिल्कुल, और वो उनको इसीलिए रखा गया था, बट उसको जब चांस मिला रिंकू ने प्रूव किया, और उसकी स्टोरी मैंने सुनी है, तो थैंक गॉड। मैं देखो अब आपने पूछा आईपीएल और का क्या फ़ायदा है, देखो आज उसको स्टार बना दिया गया, जो उसके फादर आज सिलेंडर बेचते थे हैं बहुत, और मुझे लगता है 90% या 99% सारे क्रिकेटर ऐसे ही इंडिया खेले हैं। वीरू भाई हैं, मुझे आज भी याद है नजफगढ़ की बस में लटक के आते थे, मुझे आज भी याद है रोहित शर्मा ने मुझे खुद बताया था, रोहित ने, कि भाई मैं जब घर से आया था तो मुझ पर बेड भी नहीं था सोने का, मुझ पर घर नहीं था जब मुंबई आया था, तो एक हमारे ट्रेनर हैं मुंबई में, उन्होंने अपने घर पे लिटाया था, वो भी नीचे चद्दर बिछा ले भाई, और अपने किट बैग को वो पिलो बनाता था। ये जर्नी उसने जी है। और आज देखो, एक दिन सुरेश रैना ने मुझे खुद बताया, वो भी मेरे साथ ही खेलता था, कहता है भाई वो टाइम देखा मैंने, चोर बाजार से जूते लाता था 100-100 रुपये, 150-150 रुपये के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और वो आज देखो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। मेहनत रंग लाई, मेहनत, और मेहनत ही में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें गौतम गंभीर, देखो इतना पैसे वाला इंसान, उसको कोई कमी नहीं है, वो 10 टीमें खरीद ले ठीक है, बट वो इतना पैसे वाला होके, मुझे आज भी याद है शफीक खान एक हमारे सीनियर प्लेयर, उन्होंने बताया था कि गौतम जोन में मैं कप्तानी कर रहा था और वो पानी पिला रहे थे, कह रहे उसके बाद मैंने उसको देखा है हार्ड वर्क करते हुए, उस लड़के को, उसके अंदर कुछ अलग ही करंट है, अलग ही भगवान ने गौतम भाई को कुछ दिया है, एक तो सच्चा इंसान है, सच बोलने डरता नहीं है, बिल्कुल, वो ऐसा इंसान देखा ही नहीं मैंने अपनी लाइफ में, या धोनी देखा है या वो धोनी से ऊपर है मेरी, मुझे लगता है, क्योंकि वो मैंने हमेशा देखा है कि सही के लिए लड़ता हुआ इंसान, और डरता नहीं है क्योंकि लालच नहीं है कोई। उस बंदे ने दिखाया कि भाई मेहनत करके, सबसे बड़ा एग्जांपल अपनी लाइफ का मानता हूँ उसको। आप रिंकू के लिए कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ गौतम गंभीर ने मेहनत इतनी कर दी कि आज वो देखो कितना कहाँ क्या स्टार है वो अपना हिंदुस्तान का। तो मुझे लगता है गौतम भी एक स्टोरी है।
मैं कोलकाता का फैन हूँ, तो एज अ फैन मैंने कोलकाता को पसंद करना तभी स्टार्ट किया था जब गौतम गंभीर ऐसे कैप्टन आए थे वहाँ पे। उन्होंने कोलकाता की टीम को एक अलग ही रुख में बदल दिया था, और फिर उन्होंने दो बार आईपीएल की टीम भी उन्हें जितवा के दी। नीचे फाइटर, वो फाइटर जहाज होता है ना, वो मारने जाता है तो वो मारने ही जाते थे, क्योंकि मैं तो उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, अगेंस्ट ही खेला हूँ, और बहुत लाइक करता था वो मुझे, बहुत ज़्यादा लाइक। मुझे आज भी याद है कि मैं रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा था, तो अब वीरू भाई होते थे सामने, नई और गौतम ओएनजीसी से, हम लाइक इंडिया पाकिस्तान की टीम होती थी, इंडियन लाइन्स और ओएनजीसी फाइनल होता था। तो अगर दिल्ली में या कहीं भी नॉर्थ एशिया, नॉर्थ इंडिया में ना, अगर एयर इंडिया और ओएनजीसी का, इंडियन लाइन्स का फाइनल हो जाता है तो टूर्नामेंट सक्सेसफुल है, क्योंकि उनका मानना ही है कि ओएनजीसी आ जाए और एयर इंडिया फाइनल खेलती है तो पब्लिक आती है, स्पॉन्सर मिल जाते हैं हमें, सब कुछ। तो मैं उनको, एक मॉडर्न स्कूल होता था दिल्ली में, मॉडर्न स्कूल है, सुबह हमारा मैच होता था, वहाँ नई बॉल डालता तो दोनों भाइयों को आउट कर लेता था। अब वो मेरी किस्मत लगा लो, शेरों को आउट करना बड़ी मुश्किल, दोनों टाइगर को आउट करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और शाम को एक मैच और होता था हमारे यहाँ, डे नाइट टूर्नामेंट होता था, उसका बहुत बड़ा नाम था, फिर दोनों को फिर आउट करना। तो गौतम भाई कहते हैं, गौतम ने एक बार मुझे सपोर्ट किया था, भाई तू रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेलता हरियाणा से, मैंने कहा भाई आप खिला लो। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने दिल्ली से मेरा नाम डलवाया था कैंप में, बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम भी मुझे। तो सर अब आपका लाइफ में, आपका अब क्या गोल है? लाइफ में गोल यही है कि मेरा तो ड्रीम है कि मैं, जैसे मैं एक छोटे से गाँव से आया था, और मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि मुझ पर टी शर्ट भी नहीं थी, और था जुनून और कुछ टैलेंट भी था, तो मैं भी ऐसी टैलेंट देख रहा हूँ अपने स्टेट में, इंडिया में, जो भी मुझे लगेगा, मुझे, मैं, मेरा ड्रीम है कि उन बच्चों को प्रमोट करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं, मुझे लगता है कि गरीब बच्चे आज की डेट में, मैं किसी एकेडमी का नहीं, किसी ग्राउंड का नहीं बोल सकता मैं कि हाँ भाई, कि आज की डेट में 50,000 रुपये अगर मान लो आपकी इनकम है, आपका बच्चा है, खेलना चाहता है, ही इज़ ए टैलेंटेड बॉय, तो 30,000 तो एकेडमी ले जाती है कहीं ना कहीं, बैट आ जाता है, शूज़ आ जाता है, एकेडमी की फ़ीस हैं, कपड़े हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार छोड़ यार बेटा पढ़ ही ले। तो टैलेंट, जो भी टैलेंट होगा, मुझे लगता है कि मुझ में, उस बच्चे में हर जगह मुझे अजीत चंदेला नज़र आएगा, कि उसको कमी ना हो किसी चीज़ की, तो उसको आगे लेके आना चाहूँगा। तो सर हरियाणा की टीम के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जो आज आपके सामने बैठा हूँ, ये चौधरी रणवीर महेंद्रा जी हैं, उनके बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी, जो आज हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को चला रहे हैं। आज जो भी हूँ मैं, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से हूँ, और थैंक्स करता हूँ उनको मैं आज, कि मुझे जो नाम दिया है वो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने दिया। तो सर अभी जो यूथ खेल रहा है और खेलने वाला है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा भाई, मैं आज भी ना, मैं यही कहता हूँ कि भाई मेहनत करना, मेहनत रंग लाती है। मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल दे दिया, मैंने मोहित शर्मा, उस लड़के को आईपीएल टीम में ना आशीष भाई ने बुलाया था, आशीष नेहरा ने, यार बॉल डालने के लिए आ जाएगा क्या, सिर्फ एक नेट बॉलर बुलाया था। उस बंदे ने, वो जुनून था उसके अंदर, वो आग थी, मुझे, मैं तो बचपन से जानता हूँ, बच्चा जब मेरे पास आता था उसके अंदर ऐसी आग थी। मैं फरजाद में जब उसके अगेंस्ट खेलता था ना, मुझे आज भी याद है, वो सबसे टफ बॉलर लगता था मुझे, वो आउट कर लेता था मुझे, और मैं आउट नहीं हो, किसी से आउट नहीं होता था, बैटिंग भी अच्छी करता था मैं, नई बॉल खेलता था, ओपन करता, रणजी ट्रॉफी में ओपन किया है, वनडे में, T20 में भी, वो टफ बॉलर है, उसके हाथ से बॉल नहीं पता चलता था, एक तो इनस्विंगर अच्छा था, उसको जगह बहुत अच्छी थी। तो उसने प्रूव करके दिया कि मेहनत करो और मेहनत रंग लाती है ये, और अपने माँ बाप की सेवा करो। मुझे लगता है भगवान घर में बैठा है, मंदिर बाद में हम जाते हैं, पहले अपने घर में, मुझे लगता है जो माँ बैठी है और बाप, अपने फादर बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, उनके अगर पैर छू के निकलेंगे ना, उनका आशीर्वाद लेके निकलेंगे, तो मुझे लगता है जीत हमेशा आपके पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन होता कि आपने जैसे बताया कि आप आने वाले क्रिकेटर हैं, जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैं चाहूँगा कि सबके पास सारी चीज़ें हों, मेरा कुछ बहुत बड़ा प्लान है क्रिकेट के लिए ही।
जो आज तक नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। बट मैं जल्दी प्रूफ करके फिर मैं आपके चैनल पे बताना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इधर आए हमारे पॉडकास्ट में, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं भाई, गॉड ब्लेस यू, पूरी टीम को गॉड ब्लेस यू। मैं आज आपके चैनल पे आया हूँ। आपका चैनल का नाम क्या है? AGS क्या है? 360 AGSKI 360 चैनल। मैं दुनिया के बड़े से बड़े चैनल के साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई है, बैठा हूँ। मैंने सीरियसली हिंदुस्तान के, मुझे लगता है कि सामने सामने इतने माइक होते थे कि बोलू किधर, बट आपकी टीम में आके मुझे ना प्राउड सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। यहाँ पॉजिटिविटी है और मुझे लगता है आप लोग बहुत ऊपर जाओगे। थैंक यू सो मच सर।